अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों की छोटी छोटी परेशानी भी अपने कर्म से दूर फरमाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा तो आपको मेरा काम समझ में आएगा। और मैं आपसे आज समोसे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका फीलिंग्स मैं इस तरह सब्जियों और चिकन के साथ बनाऊँगी। ये चिकन कम से कम पाव चिकन लिया है मैंने, 8-10 बूटी का मैंने इस तरह शेड कर लिया बॉईल करके सिर्फ नमक में, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है। और ये बंद गोभी बारीक कटे हुए हैं और ये हरा प्याज मतलब कलियों के साथ, ये दोनों प्याज के साथ, ये ग्रीन वाले सब कुछ मतलब पूरी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने इसे भी बारीक काट लिया और इसे भी इसके साथ थोड़ी सी हल्की सी फ्राई करूँगी और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, इसकी फीलिंग्स तैयार हो जाएगी तो मैं बताऊँगी कि मैं समोसा किस चीज़ से तैयार कर रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा काम पसंद आए तो इसे दोस्तों में शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। ये बारीक चॉप करे हुए हैं इस तरह से लहसुन 2 जवे, ठीक है। नमक मिर्च आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, कूटी हुई मिर्च तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, ठीक है। आप इस समोसे में कीमे का फिलिंग्स, चिकन का कीमा या बीफ का कीमा भी आप इस तरह भी फिलिंग्स कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स के साथ सब्जियों के साथ जो है बहुत इसका भी जायका बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का बनता है। होटलों में खसूसी सब्जियों वाला होता है, खाली सब्जी होते हैं, बराए नाम तो चिकन होता है, लेकिन आपने इसमें सब्जी कम और चिकन ज़्यादा रखना है ताकि अच्छा लगे, ठीक है। कूटी हुई मिर्च मैंने इसमें पहले डाल दी है और ये मैं इसमें काली मिर्च डालती हूँ 2-3 चुटकी, समझ लीजिए 1/2 चम्मच से भी कम मैंने इसमें पीसी काली मिर्च डाला है और 1/2 चम्मच से भी कम मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालती हूँ। ये सब भुना हुआ है, घर का है, बिल्कुल तैयार किया हुआ रहता है और रमज़ान के हवाले से ये चीज़ जो है बहुत बेस्ट होता है अफ्तार के लिए। वैसे तो आप इसे अगर दिल चाहे तो आम दिनों में भी बना के यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन अफ्तार के लिए खुसूसी जो है ये बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, अब मैं ये इसमें ग्रीन प्याज भी डाल देती हूँ। अच्छा, इसमें हरी मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मैंने कूटी हुई मिर्च 1 से 1.5 चम्मच डाल लिया है, तो इतना मिर्च काफ़ी है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर बच्चे नहीं खाएंगे, ठीक है। वो इसे मैं बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल गलाऊंगी नहीं कि इसका कोई सब्ज़ी तैयार नहीं कर रही हूँ, ऐसा है कि सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो समोसे की फीलिंग्स है ये, तो उसी हिसाब से ये रखूँगी, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए और बिल्कुल ये बंद गोभी जो है ये हल्का सा गल जाए। 5 मिनट के लिए कम से कम मैं इसको गलाती हूँ और फिर मैं ये फिलिंग्स तैयार करके आपको आगे का काम दिखाती हूँ। और ये देखें दोस्तों, ये हमारी फिलिंग्स तैयार हो गई ऐसी, ठीक है। तो ये दरअसल बहुत मुझे पसंद है और ये मेरा सीक्रेट है और हर साल मैं इसे इसी तरह बनाती हूँ, वेजिटेबल चिकन के साथ, बन गोभी चिकन और हरा प्याज, ग्रीन प्याज मतलब इस तरह करके मैं इसे बनाती हूँ, तो बड़े मज़े का बनता है, मुझे पसंद है, तो मैंने सोचा आज आप लोग के साथ भी शेयर करूं। तो ये मैदा मैंने गूंद लिया था तकरीबन 1/2 घंटे पहले, तो ये देखें हल्की सी नीम गर्म पानी में 1 चुटकी नमक डाला है और कलौंजी डाला है 1 चुटकी और मैंने जो है इसमें अजवाइन डाला है इस तरह से।
ये देखें, ये इस तरह से मार्केट में इजली मिल जाता है, तो मुझे पसंद आई है। तो मैंने कहा रमज़ान के हवाले से जो ये, क्योंकि ये मैदा है तो ये खींच के अपनी जगह में आ जाएगा। इस तरह से आप इसे खींच के कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और फिर जो है आप इस तरह से फिलिंग्स इसके अंदर अच्छी तरह, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है, लेकिन इतना हो कि पता चले कि समोसे के अंदर कुछ है। दो चम्मच चाय के काफ़ी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कर दिया तो फिर वो फट जाएगा, ठीक है। यूँ करने के बाद तो ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ये साइडों से ये जो निकलेगा ये इसका ज़ाया नहीं होता, क्योंकि आगे भी काम कर रही हूँ तो ये उसमें काम आ जाएगा, ठीक है। इजी होता है, मतलब फौरी, मतलब मैदा बनाया और फौरी जो आपने इस तरह से डिज़ाइन वाली है और आपने फौरी फौरी इसका काम कर लिया, समोसा इजी जो है शेप के साथ। आप चाहें कोई भी शेप दे सकते हैं इसमें, अगर आपको ये शेप पसंद है तो ये दे, और एक डी वाला शेप है इस तरह से, ये शेप भी अगर पसंद हो तो ये भी दे सकते हैं, और अगर इसके अलावा कोई शेप पसंद हो तो वो भी मिलता है, वो भी दे सकते हैं आप दोस्तों। फिर इस तरह मैं ये सारे तैयार कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं सारा जो है तैयार कर चुकी हूँ, मैं फ्राई करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इसके कलर ऊपर से थोड़ा ज़्यादा गोल्डन हो गया है, अगर आप लाइट रखना चाहें तो आप लाइट रख लीजिएगा, लेकिन जो मैदा था वो आटे का, मतलब तो उसे पकाना था, कच्चा नहीं रहा, क्योंकि अंदर की कोई भी फिलिंग जो है वो कच्ची नहीं है, तो ऊपर पे जस्ट कलर आ जाए और थोड़े से ऊपर नीचे पक जाए, फिर मैं इसे उतारूँ, ठीक है। मुझे इस तरह की कलर पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ किया है, अगर आपको लाइट पसंद हो तो आप लाइट रखिएगा।